हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जैगुआर एफपेस। ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लव्ड है, बहुत पसंद की जाती है, बहुत लोग खरीदते हैं इसे। रोड पे आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे जाएगी। उसके रीज़न बहुत ज़्यादा है और मुझे जो सबसे मेन रीज़न यहाँ पे लगता है वो है इस कार का इनक्रेडिबल प्राइस, दैट इज़ 77 लाख। और वहाँ पर आपको जैगुआर जैसी गाड़ी की लग्जरी इन्जॉय करने के लिए मिलती है, उसके ड्राइव इन्जॉय करने के लिए मिलती है, और मिलता है एक बहुत बड़ा लोगो जो इस कार का एकदम बोलते हैं ना, हाँ यार मैं जैगुआर ड्राइव कर रही हूँ, एक अलग ही इसकी टशन है, अलग ही इसकी शान है। जैगुआर एफपेस हमारी जैगुआर ब्रांड की फर्स्ट एसयूवी है जो लॉन्च की गई थी 2015 में और इसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई थी 2016 से। इनफैक्ट 2017 में इसे वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है फॉर ऑसम लुक एंड परफॉर्मेंस। ये है जैगुआर एफपेस की जो आपको मिलती है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर आपका क्रोम का यूज़ किया गया है, मैनुअल की को आप यहाँ से इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, जो मुझसे लाइक ऑलवेज नहीं निकलेगी। थोड़ा सा आप इसको पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाती है। यहाँ पर आपके पास लॉक, अनलॉक, बूट ओपनिंग और हेडलैम्प कंट्रोल है। इसकी हेल्प से आप अपने हेडलैम्प को ऑन एंड ऑफ दोनों कर सकते हैं लाइक दिस। और ये काफ़ी आपको जैसे लैंड रोवर की होती है ना, उसके जैसी ही मिलेगी। फ्रंट में अगर हम लोग हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पर हाई बीम एंड लो बीम के लिए LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं। सेपरेट पार्टमेंट को डिवाइड कर दिया गया है अलॉन्ग विद द DRL एंड सी द डिज़ाइनिंग ऑफ DRL जो आपको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगेगी। और यहाँ पे जैगुआर टेक्नोलॉजी मेंशन किया गया है और ये आपके सिक्वेंशियल DRL हैं। और इन्हीं DRL में आपके इनबिल्ट टर्न इंडिकेटर हैं जो आपके सिक्वेंशियल हैं। यहाँ आपको बिग साइज़ ग्रिल मिल जाती है जिसकी डिज़ाइनिंग आपको काफ़ी स्मार्ट लगेगी। सबसे ऊपर प्लेस किया गया है आपका कैमरा, ये है हमारा जैगुआर का लोगो। नीचे के साइड में हमें पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। ये जो ग्रिल है ये भी आपको काफ़ी स्मार्ट लगेगी। इनफैक्ट अगर आप टोटल फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो गाड़ी आपको बहुत सुंदर दिखने वाली है बिकॉज ऑफ दिस सिल्वर एंड ब्लैक पियानो फिनिश एट द लोअर बम्पर पार्ट। साइड में आप मूव करेंगे तो कार में आपको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट इसके अलॉय व्हील्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर ड्यूअल शेड में और इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। 19 इंच इनका साइज़ है। थोड़ा पीछे की साइड आप मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको फेक वेंट्स दिए गए हैं जो डिज़ाइनिंग का पार्ट, और काफ़ी ज़्यादा आपको स्मार्ट लगेगा। अगेन जैगुआर लोगो आपका यहाँ पर दिया गया है। जो हमारा ORBM है इसके अंदर आपको LED स्ट्रिप दी गई है जो आपका टर्न इंडिकेटर का काम करती है। और इस कार के अंदर आपको 360 डिग्री पार्किंग कवरेज मिलती है। साइड से अगर हम लोग बात करते हैं तो इस कार की जो लेंथ है दैट इज़ अराउंड 4700 mm। कार की हाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है आपकी अराउंड 1600 mm। कार की विड्थ की अगर हम लोग बात करेंगे दैट इज़ अराउंड 2000 mm। अगर हम लोग बात करते हैं व्हील बेस की तो वो आपका 2800 mm के अप्रॉक्स है। और अगर आप बात करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो है आपकी 213 mm। चलिए अब मूव करते हैं कार के बैक पे। और कार के बैक पे जाने से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ड्राइवर साइड में ही आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। इस कार के अंदर आपके पास पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोनों ही आपको 2000 cc में मिलते हैं। इनफैक्ट दोनों गाड़ियों का प्राइस भी बिल्कुल सेम है, 77.41 एक शोरूम प्राइस है दोनों गाड़ियों का एग्जैक्टली सेम। फ़र्क कहाँ पर आएगा, वो आएगा माइलेज में। अगर आप इसको ख़रीदते हैं डीजल में तो यहाँ पर क्लेम किया जाता है 19 की एवरेज को, और अगर आप लेंगे इसको पेट्रोल में तो वो आपकी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, थोड़ी नहीं काफ़ी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। बैक में वी हैव दिस शार्क फिन एंटीना और ये हमारे पास बहुत स्मार्ट सा स्पॉयलर है। बैक लाइट आपकी यहाँ पर प्लेस की गई है। लाइटिंग की डिज़ाइनिंग बहुत सुंदर है यार, चाहे ये नॉर्मल सी बैक लाइट की भी हम लोग बात करें। डिफॉगर आपके पास है। यहाँ पर हमारे पास वाइपर दिया गया है, जैगुआर मेंशन किया गया है, लोगो दिया गया है जो बहुत बड़ा अट्रैक्शन है इस कार का। बहुत ही डिज़ाइनर स्टाइलिंग के साथ आपके पास LED टेल लैंप्स हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। FPS यहाँ पर लिखा गया है। इन टोटल अगर हम कार के बैक प्रोफाइल की बात करते हैं तो कार इज़ लुकिंग रियली सुपर फैब। रिवर्स कैमरा आपका यहाँ दिया गया है और नीचे के साइड में हमारे पार्किंग सेंसर्स हैं। बूट स्पेस की अगर बात करें तो आपके पास बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस है इस कार में। बहुत ज़्यादा जगह है, बहुत ज़्यादा सामान, आपके बहुत सारा बैगेज यहाँ पर आप कैरी कर सकते हैं। नीचे के साइड में हमें टेम्परेरी टायर दिया गया है, आपका जैक एंड टूल किट वहाँ पर है। और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम आपकी स्पीड है ये, इससे ज़्यादा एक्सीड मत कीजिएगा। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है यहाँ पर, जो मुझसे खुल नहीं रहा है। मुझे यार हर चीज़ की ऑपरेशन में दिक्कत ही होती है हमेशा, इस तरीके से आप इसे ऑपरेट करेंगे। बाकी लाइट आपको मिल जाती है नीचे दोनों साइड पे, एंड यस स्पेस इज़ रियली बिग। और ये आपका पावर टेलगेट है। चलिए अब चलते हैं कार के रियर में।
रियर में अगर हम कार की बात करते हैं तो अगेन आपके पास नीचे के साइड में स्पीकर है, ये आपका ट्विटर दिया गया है, मेरिडियन का आपको बता चुकी हूँ म्यूज़िक सिस्टम इस कार में यूज़ किया गया है। ये डिज़ाइनिंग बहुत अपीलिंग लग रही है, इनफैक्ट जो पूरा डोर पैनल है इसकी डिज़ाइनिंग भी आपको कार के डैशबोर्ड की तरह काफ़ी स्मार्ट लगने वाली है। चलिए अब देखते हैं हम इसका रियर में हमें कैसा कम्फर्ट मिलता है। दोस्त इस कार में आपको रियर में बैठ के बाय गॉड मज़ा आने वाला है। आगे भी बहुत कंफर्टेबल था लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट लेवल का कंफर्ट है, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा खासा आपके पास रिक्लिनेशन यहाँ पे अवेलेबल है, एसी वेंट्स आपको सामने के साइड में दिए गए हैं। इस कार के अंदर आपको 4-zone AC मिलता है और सेम उसी तरीके से ऑपरेट करेंगे जैसे हम लोग फ्रंट में कर रहे थे। नीचे यहाँ पे आपके पास 2 Type-C पोर्ट दिए गए हैं और यहाँ पर हमारा 12-volt का चार्जिंग सॉकेट है। और जो मेन अट्रैक्शन मुझे आ रहा है ना इस कार में वो ये सनरूफ का बहुत मेजर रोल है। ये बहुत आपको ब्रॉड लग रहा है पीछे बैठ के, मतलब लिटरली कैबिन इज़ लुकिंग सुपर एयरी सुपर बिग, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार बहुत बड़े से कार में बैठ के और टेंशन से अपनी ड्राइव को इन्जॉय कर रहे हैं। हैंडरेस्ट में आपके पास यहाँ पर ट्विन कप होल्डर दिया गया है और बाकी बीच में आप मत बैठिएगा, 4 लोग बहुत आराम से बैठेंगे क्योंकि हम्प आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अदरवाइज़ 4 लोग अगर इसमें बैठ के ड्राइव करते हैं तो आपको कंफर्ट वाइज तो मज़ा आ जाएगा। FPS इज मार्वलस इन टर्म्स ऑफ सिटिंग कंफर्ट। और यहाँ पर जो आपकी रियर रो है इसके पास, इसमें भी आपके पास 2-way सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। स्टेयरिंग की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग मिल जाता है जिसमें आपको काफ़ी कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं। आपके पास यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है, वॉइस कमांड है, फ़ोन ऑपरेट कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन हो जाएगा और यहाँ से आपका ट्रैक चेंज हो जाएगा। पैडल शिफ्टर्स आपको इस तरीके के डिज़ाइनिंग के साथ मिलते हैं जो काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं। जो हमारा वाइपर है और जो आपका हेडलैम्प है ये दोनों आपके ऑटो सेटिंग के साथ आता है। सामने के साइड में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आपका सेमी डिजिटल है और काफ़ी स्मार्ट डिज़ाइनिंग के साथ है। अगर आप इन डायल्स को ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्रेक करके ट्राई किया गया है, जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपका इंटीग्रेट हो जाए आपके MID के साथ। तो ये दोनों डायल्स आपके पास स्पीड के लिए और टैकोमीटर आपका है, और जो सेंटर में हमारा MID है यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे आपका फ्यूल हो गया, आपका टायरट्रॉनिक्स है इस कार के अंदर, आपकी एवरेज, ये सारी चीज़ें आप सेंटर यूनिट से देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास अराउंड 11 इंच का इंफोटेनमेंट मिल जाता है, ये आपका टच है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ना तो लैंड रोवर जैगुआर में ज़्यादातर सेम ही चीज़ें हैं। सारी चीज़ों का जो अगर लुक की हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सेम मिलती है। कंट्रोल्स आपको इस तरीके से दिए गए हैं, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये दोनों फंक्शन इस कार के अंदर गिवन है। ऊपर के साइड में AC वेंट्स हैं, नीचे की तरफ आप मूव करते हैं तो ये डायल है आपका, और अगर आपको ब्लोअर की स्पीड को सेट करना है तो इसको हल्का सा आपको पुल करना पड़ेगा लाइक दिस, तो ये आपका ब्लोअर पे चला गया। AC यूनिट आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। इस कार में आपका 4-zone AC गिवन है। यहाँ पर आपके पास वायरलेस चार्जर दिया गया है, ये आपका बहुत ही स्मार्ट सा गियर नॉब है। इस कार के अंदर आपके पास 8-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जाता है। ड्राइविंग मोड्स की अगर आप बात करेंगे तो आप इसको यहाँ से चेंज करेंगे, कंफर्ट, इको, रेन, आइस, स्नो, इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको इस तरीके से प्रेस करके एक फ्लैट लुक क्रिएट कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपके पास यहाँ दिया गया है, ये जो आपका है ये आपका वॉल्यूम के लिए है। और इंफोटेनमेंट को अगर आपको ऑफ करना है तो उसको भी आप यहीं से ऑपरेट करेंगे, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका इंफोटेनमेंट क्लोज हो जाएगा। ट्रैक्शन इज देयर। यहाँ पर आपके पास बहुत फिनिश की अगर बात करें तो बहुत अच्छा सा फिनिश क्रिएट किया गया है। अंदर के साइड में हमारे पास ट्विन कप होल्डर है और ये हमारा, आप अगर सिगरेट वगैरह पीते हैं तो भैया आपके लिए लाइटर है, नहीं पीते हैं तो हम जैसों के लिए 12-volt का चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ आपके पास स्पेस दिया गया है हैंडरेस्ट में, Type-C पोर्ट है और USB पोर्ट दोनों ऑप्शन है आपके पास। और कार के ना मेनली जो लेआउट है, जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो आपको बहुत प्यारा लगने वाला है, बहुत प्रीमियम सा लुक देता है, आपको काफ़ी लग्जूरियस फील कराता है। गाड़ी बिकॉज ऑफ दिस टैन कलर, ये जो सिल्वर का आपको यहाँ पर ये सेगमेंट दिखाई दे रहा है, ये डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा एनहांस कर रही है कार के लुक को। ऊपर के साइड में आपका फुल ऑन सॉफ्ट टच है और नीचे के साइड में भी यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है। सीट्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो सीट्स आपकी यहाँ पर लेदर अपहोल्स्ट्री का यूज़ किया गया है। और सीट एडजस्टमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो दी सीट्स आर 10-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। और एडजस्टमेंट से मुझे याद आया कि जो आपका स्टेयरिंग है यहाँ पर आपके पास टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों सेटिंग्स अवेलेबल हैं। ऊपर की तरफ आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिल जाता है। मेरिडियन का म्यूजिक सिस्टम इस कार के अंदर यूज़ किया गया है।
मेमोरी में आपके पास 3 मेमोरी कंट्रोल्स दिए गए हैं, लॉक एंड लॉक यहाँ है आपके पास। सिल्वर में आपको डोर हैंडल मिलता है। ये वाला जो सिल्वर डिज़ाइन एलिमेंट है ये मुझे बहुत क्लासी लग रहा है, बहुत अपीलिंग है ये। पावर विंडो कंट्रोल्स हैं आपके पास और ये आगे की तरफ आपके पास ORVM कंट्रोल्स दिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं इस कार के इंजन की। ये जो इसका इंजन बे है इसकी ओपनिंग आपकी हाइड्रोलिक है, अच्छा खासा इंसुलेशन आपको दिया गया है, इंजन आपका वेल कवर्ड है। इस कार के अंदर आपको 2000cc का पेट्रोल इंजन या फिर आप डीजल इंजन कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ख़रीदते हैं डीजल इंजन में अपनी FPS को तो वो आपको पावर देने वाला है 201 BHP की और आपको टॉर्क मिलेगा वहाँ पर 430 Nm का। और अगर आप इसे ख़रीदते हैं पेट्रोल में तो आपको पावर मिल जाएगी 247 और आपको जो टॉर्क मिलेगा दैट इज़ 365 Nm। और ये इतने ही दिन होते हैं ना साल में, उतनी ही आपको टॉर्क प्रोवाइड कर देगी FPS पेट्रोल में। सेफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो ये कार आपकी NCAP 5-star रेटेड व्हीकल है। यहाँ पर आपके 6 एयरबैग्स को यूज़ किया गया है। फ्रंट एंड रियर में आपके पास डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, ABS, EBD, ESP ये सब चीज़ें इसमें गिवन है। इवन ट्रैक्शन कंट्रोल इज़ ऑल्सो देयर। तो दोस्त ये थी हमारी जैगुआर FPACE। ये कार आपको कैसी लगी बताइएगा मुझे ज़रूर। कोई डिटेल अगर हमसे मिस हुआ है तो प्लीज़ कमेंट्स में आप उसे पूछ सकते हैं। एंड यस, मुझे तो सीरियसली प्यार हो गया इस गाड़ी से, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। जैगुआर FPACE का क्लाइंटेल ज़्यादा होने का रीज़न सबसे बड़ा इसका प्राइस है, जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया था, और वहाँ पर ये गाड़ी अपने आप को फुल ऑन जस्टिफाई करती है।